देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ राजनीतिक और मनोरंजन की सारी खबरें देखिए सिर्फ खटपट न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। खटपट न्यूज, खबरें थोड़ा हटके। महतारी हुंकार रैली के साथ ही छत्तीसगढ़ बीजेपी ने विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गांधी चौक से महतारी हुंकार रैली में शामिल हुई। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। 3 किलोमीटर लंबे रोड शो में उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने फूलों की वर्षा की। स्मृति ईरानी ने रैली के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में ए फॉर अमेठी और बी फॉर बिलासपुर और सी फॉर छत्तीसगढ़ होगा। स्मृति ईरानी ने कहा कि जो गंगा जल हाथ में लेकर चुनाव में प्रतिज्ञा ले रहे थे, कांग्रेस के उन निर्लज नेताओं को आज बताना होगा कि छत्तीसगढ़ में 6000 महिलाओं का रेप क्यों हुआ, इन महिलाओं को अगवा क्यों किया गया। कांग्रेस के राज में साधारण परिवार की महिला असुरक्षित क्यों है, उनको जनता में रुचि नहीं है, उनको जनता की तिजोरी कैसे लूटी जाए उसमें रुचि है। स्मृति ईरानी ने कहा कि कोरोना की विपदा की घड़ी में मोदी सरकार घर घर अनाज पहुंचा रही थी और कांग्रेस वाले घर घर दारू लेकर जा रहे थे। एक तरफ जीवन का सामान बांटा जा रहा था, दूसरी तरफ भूपेश सरकार द्वारा घर घर मौत पहुंचाई जा रही थी। आज वक्त कांग्रेस सरकार का छत्तीसगढ़ में है, तो मैं भूपेश जी से पूछना चाहती हूँ, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है भूपेश जी? हाल फिलहाल की खबरें दिल को दहला देती है कि जनता का पैसा जनता को जाने की बजाय भूपेश बघेल की सरकार ने कुछ अफसरों के माध्यम से लूटकर कांग्रेस की तिजोरी भरने का काम किया। ईरानी जी को तो बताना चाहिए कि भाई ट्रेन क्यों बंद है, क्यों महिलाएं यात्रा नहीं करती? सबसे ज़्यादा महिलाएं यात्रा करती है ट्रेनों में और सबसे सुविधाजनक और सस्ता है, और उसको बंद करके रखें। स्मृति ईरानी जी आई हैं तो जरूर इसमें सुधार होगा। और झलियामारी कांड, सारकेगुड़ा कांड, अखोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, नसबंदी कांड, इसका जवाब देना चाहिए। और ये तुलना करना है तो यूपी से कर ले, वहाँ कितना हो रहा है और यहाँ क्या स्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।